मैं सबसे पहले तो मैं हमारे जो देवतुल्य हमारी जो देवली उनियारा के जो हमारे लोग हैं सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका इतना जो भरपूर प्यार जो हमें मिला है सर्व समाज का, तो सभी का मैं कोटि कोटि बहुत बहुत मैं धन्यवाद, और जीवन भर हम ऋणी रहेंगे। और मैं जब भी उनके दुख और सुख में हम आगे तैयार रहेंगे, हमारा संघर्ष जारी है और हम जनता के लिए, क्योंकि ये हमारा एक मात्र 15 दिन, हमारी 15 दिन की मेहनत थी, और अब हम कंटिन्यू इनके बीच में रहेंगे, जनता की हम सेवा करेंगे, उनके दुख सुख में हमेशा हम तैयार रहेंगे। और मैं इतना कह नहीं सकता मैं मेरे मन से कि मैं इतना उनको धन्यवाद कि बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरी सर्वे समाज के, हमारी जितने भी हमारे माताएं बहन, हमारे युवा साथी, और जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी है, हमारे जितने भी युवा साथी हैं उनको मैं तहे दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो लोग कह रहे थे कि नरेश मीणा 3,000 से 5,000 में समेट जाएंगे, क्या कहेंगे उनको? मैं कहना चाहूंगा उनको कि हमने वही तो उनको कहा था कि 3,000 और 1,000, तो ये तो जब वक्त और जब परिणाम आएंगे, जब आपको पता लगेगा कि कौन 1,000 लेके आएगा और कौन 3,000 लेके आएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमने कांग्रेस की बिल्कुल ही जमानत जब्त करा दी, ये आप लोगों ने देख लिया, और ये हमारी 13 दिन की मेहनत थी, और पार्टी का एक अपने आप में बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। आज हमारा एक निर्दलीय में हमने जो मेहनत 15 दिन में की, अगर यही मेहनत अगर हम लोकसभा चुनाव के बाद में लिखते हैं तो आज शायद उसका हम जीत हमारे चेहरे पे होती, मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या मानते हैं कि आपकी जो रणनीति रही उससे कांग्रेस की तो जमानत जब्त हो गई, लेकिन क्या बीजेपी ने आपको पक्की पकाई जीत दे दी? नहीं, बीजेपी को जिस तरह से जो ये माहौल बना रहे थे यहाँ के जो लोग थे कि ये बाहर के थे, यहाँ के लोग इनकी साथ में नहीं है, और दूसरा हम कहीं ना कहीं वो जिस तरह से जो एक कचरावता के वो समरावता में जो इन्होंने जो माहौल बनाया, इन्होंने एक साजिश रची, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग वहाँ पे भी गिर गए, हमारे कार्यकर्ताओं का और इनका सबका जो ध्यान था वो ज़्यादातर उस जगह में डाइवर्ट हो गया, और इस कारण से भी कुछ हमारे को थोड़ा लॉस हुआ, नहीं तो काफ़ी नज़दीक जाते हम। और फिर भी आगे हम इतनी मेहनत करेंगे और बेहतर हम सेवा करेंगे, और आगे अगले जो चुनाव है उसके अंदर, बाकी मैं ये कहना चाहूँगा आपको बताऊँ कि आज अगर कांग्रेस सही डिसीजन लेती है, आज अगर टिकट दे देते तो आज शायद ये कांग्रेस को ये दिन नहीं देखने पड़ते, बिल्कुल और अगर नरेश भाई साहब को अगर यहाँ से अगर टिकट मिल जाता तो अच्छे मार्जिन से हम लोग इस सीट को निकालते। बिल्कुल, आप लगातार कांग्रेस से टिकट मांगते रहे थे, ऐसे में टिकट नहीं मिला, आप लगातार कांग्रेस खास करके हरीश मीणा पर लगातार आरोप लगाते रहे टिकट बेचने का, क्या ये नैरेटिव जो सेट किया था उससे भी आपको फायदा मिला, हरीश मीणा को नुकसान हुआ? आपने ये बात बिल्कुल साबित हो गई कि उन्होंने पैसे लिया है, कि अगर मान लो वो सच्चे में रहते और अगर नहीं लिया होता तो कहीं भी आपको हरीश जी को किसी गांव के अंदर प्रचार करते हुए देखा हो तो मुझे बता दीजिए आप। हरीश जी किसी सभाओं के अलावा, दो सभाएं उन्होंने करी, और किसी उसके बावजूद कहीं नजर भी आए हो तो आप मुझे बता दीजिए। अगर वो, ये तो बिल्कुल साबित ही हो गया अब तो, अगर वो नहीं लेते तो वो 1-to-1 केसी जी, केसी मीना जी के साथ में जाते और गांव में वोट मांगने का काम करते। बाकी जो चीज, जो एरिकेशन उनके ऊपर लगा, वो एरिकेशन लगा तो उसके कारण वो गए नहीं, और उसका नतीजा और ये सब आपने देख लिया कि कांग्रेस कहाँ पे जो अपनी जमानत भी जब्त नहीं कर। मेरे हिसाब से आज दंत के इतिहास में पहली बारी पार्टी को इतनी बुरी हार, उस कैंडिडेट को हारना पड़ा जहां पे अपनी जमानत भी उसने जब्त करवा दी, वो भी जमानत भी नहीं बचा पाया। इससे बुरा हाल क्या होगा कांग्रेस का? अगर नहीं तो निकलते हरीश जी, ये चुनाव किसके बीच में हो रहा था? ये चुनाव तो हमारे हरीश जी इनके बीच में तो चुनाव हो रहा था। क्या समरावता कांड का फायदा मिला? नहीं, समरावता कांड का जो फायदा है उसको हम फायदा नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो एक्चुअली में हमारी जिनाइन मांग थी, वहाँ तो वो हम उसके लड़ाई लड़ रहे थे, हमारी कोई, हमें वहाँ से प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, नुकसान होगा उसके बारे में नहीं, हम तो वहाँ पे सिर्फ हमारे जो वहाँ के लोगों की जो लड़ाई थी वो लड़ रहे थे, और आगे भी जो उनकी मांगे हैं अगर गवर्नमेंट नहीं मानेंगे तो हम आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी, और भाई साहब का इंतजार है, बहुत जल्दी भाई साहब हमारे बीच में होंगे,
और उसके बाद में अगर या तो तमाम जितनी भी हमारी मांगे हैं या तो वो मान लेंगे, अगर नहीं मान पाए, अगर सरकार अगर हमारी जो मांगे नहीं मानेंगी और हमारे जितने भी जो युवा साथी है उनके केस अगर वापस नहीं लेगी तो उसके बाद हमारा आंदोलन जारी रहेगा, वो आते ही हम कंटिन्यू रखेंगे। और दूसरा, लड़ाई हम जब संघर्ष करने निकल गए तो हम लोगों के बीच में लेके और जनहित में बिल्कुल लड़ाई लड़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरह से जो सर्व समाज का प्यार हमारे साथ में रहा, हम बिल्कुल उनके लिए हर मोर्चे पे खड़े रहेंगे और डट के उनकी सेवा करेंगे। और लड़ाई लड़ने का काम है, वो संघर्ष हमारा कंटिन्यू जारी रहेगा। उनकी हक की लड़ाई और जिनाई लड़ाई पहले भी लड़ते रहे और अब भी लड़ाई लड़ते रहेंगे हम। क्या परिणाम के बाद नरेश मीणा से बातचीत हो पाई, क्या रणनीति रहेगी आगे उनको जेल से रिहा करवाने को लेकर? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी भाई साहब से इस तरह की कोई बात हुई भी नहीं है और अभी मुलाकात हुई नहीं, क्योंकि खाली काउंटिंग हुई तो पहले हमारा जो भी पूरा जो फोकस था वो काउंटिंग को लेके था। और कल जैसे मतगणना ख़त्म हुई, अब भाई साहब से मिलेंगे और बैठ कर फिर आगे की जो भी कोई रणनीति होगी वो करेंगे। बाकी ये तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये फिर बार बार ही कह रहा हूँ कि हम लोग लोगों के बीच में जैसे ही वो आएंगे हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर या तो समरावता के जितने तमाम हमारे जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार टाइम से कर दे, जितने हमारे युवा साथी जो अंदर है उनके सारे मुकदमे वापस ले, नहीं तो लड़ाई तो हमारी जारी रहेगी और सच्चाई के लिए हम लड़ते रहेंगे। ये आपको मैं बता दूँ।